हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, समीक्षा इंस्टीट्यूट चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री से संबंधित वीडियो। और ये वीडियो जो हमारे हैं तो समीक्षा पब्लिकेशन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो अब हम सबसे पहले जैन धर्म, जो समाज सुधार आंदोलन हुए तो जैन धर्म के ऊपर बात करेंगे। तो ये इसका उत्थान किस कारण से हुआ, इसका क्या आधार रहा जैन धर्म और बौद्ध धर्म आने का, जो समाज सुधार आंदोलन हुए, तो इनके पीछे अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि जो हमारे पहले भारतीय समाज में हमने पहले पढ़ा कि वैदिक धर्म, उसके बाद ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल आते आते हमारे समाज में बहुत ज्यादा यह कर्म कांडीय व्यवस्था और धार्मिक आडंबर, क्रूतियां, तो इनका हमारे भारतीय समाज में बहुत ज्यादा समावेश हो गया था बड़े पैमाने पर, जिससे कि बहुत ज्यादा विभिन्नता फैल गई। और एक इसके समानांतर एक चीज और थी कि इसमें जो राजा का पद था तो अब वो स्थायी हो गया था, और कृषि का भी स्थायीकरण हो गया था, कृषि के बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा था, और लोहे से भी परिचित हो गए थे उत्तर वैदिक काल आते आते। तो इसको हम, जैसे ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करेंगे तो उसे हम द्वितीय नगरी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तो इसके कारण ये समाज सुधार आंदोलन हुए। जो जैन धर्म और ये बौद्ध धर्म रहे तो ये इन्होंने अहिंसावादी धर्म थे, इन्होंने अहिंसा पर अपना ज्यादा केंद्रित थे। तो क्योंकि इसमें जो हमारे धार्मिक रीति, भारतीय रीति रिवाज थे, तो उसमें पशु बलि का महत्व पहले काफी बढ़ चुका था, और जो कि कृषि के लिए बहुत ज्यादा, जैसे कृषि हो रही थी तो उसके खिलाफ जो पशु बलि था तो उससे ज्यादा अनुकूल स्थिति नहीं बन पा रही थी कृषि के लिए। तो इस कारण क्या है, इसमें समाज सुधार आंदोलन हुई। तो सबसे पहले हमारे समाज सुधारक आते हैं जैन धर्म के रूप में, तो जो कि अहिंसावादी धर्म था। तो इसके बारे में हम चलिए ये पढ़ते हैं। ब्राह्मणवादी धार्मिक क्रिया के वर्चस्व के विरुद्ध विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाले कई नए दर्शन विकसित हुए, और उनका नेतृत्व शाही परिवारों के क्षत्रियों ने किया, क्योंकि ये क्षत्रिय कुल से ही थे जो जैन थे, और जो भानु स्वामी थे और जो बौद्ध गौतम बौद्ध थे, तो वो क्या है, क्षत्रिय कुल के थे। तो इन्होंने क्या है, जब भारतीय समाज में ब्राह्मण और जो दो वर्ग थे, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो इनका क्या है, ये सर्वोपरि हो गए थे, और जो अपने नीचे वाले जो वर्ग थे तो उनका क्या है, ये शोषण करने लगे थे। तो ये दोनों क्या है, क्षत्रिय कुल के थे। तो क्षत्रिय का इसमें उत्थान भी देखा जाएगा, तो जिन्होंने बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रसार में मदद की। तो अब आता है हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन कहे जाते हैं, ऋषभवेद, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभवेद थे प्रथम तीर्थंकर, और इस पर टोटल 24 तीर्थंकर रहे हैं। तो इससे इसके बाद हम ऋग्वेद में भी दो तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है, जैसे ऋषभवेद और अरिस्टोनॉमी। तो तीर्थंकर जैन धर्म में तीर्थंकर यानी अरिहंत और जिनेंद्र इंद्रियों में विजय प्राप्त करने वाला, तो उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान यानी केवल ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो संसार सागर से पार लगाने वाली तीर्थ की रचना करते हैं, और वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जो हमारे टोटल 24 तीर्थंकर हुए, तो आइए हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो हमारे प्रथम तीर्थंकर आपको बताए ऋषभवेद, और इसमें से इसके बाद भी जो तीर्थंकर आए थे, लेकिन उनका कुछ अभी एविडेंस ऐसा नहीं है इतिहास में, तो हम जो महत्वपूर्ण है तो तीन तीर्थंकर के बारे में बात करते हैं। जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे, और यह बनारस के राजकुमार थे। उन्होंने भिक्षुओं के लिए 4 महाव्रत दिए, तो जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो अहिंसा, इन्होंने अहिंसा पर बल दिया, और सत्य पे, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय यानी होता है चोरी ना करना, ठीक है,
और अपरिग्रह यानी होता है हाँ अब परिग्रह होता है यानी अनावश्यक धन प्राप्त ना हो, जितना आवश्यक हो उतना ही हम अपने लिए रखें। इसके बाद इनका चिन्ह है सांप, तो 24वें तीर्थंकर है ये महावीर स्वामी। तो हमारे जो महावीर स्वामी इनको ही हम वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, महावीर स्वामी को। तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व कुंड ग्राम, वर्तमान में वैशाली जिला बिहार भारत में। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माँ का नाम है त्रिशला। तो उनका विवाह यशोदा से हुआ था और उनकी बेटी प्रियदर्शना थी। इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। और जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 30 साल की उम्र में वर्धमान ने, इनका जो बचपन का नाम था तो वर्धमान था, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक तपस्वी बन गए। हाँ, और जो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ये अपना घर छोड़कर चले गए और फिर ये आगे उन्होंने अपना तपस्वी। तो महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या के बाद वह कैवल्य ज्ञान नामक उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। कैवल्य यानी सर्वोपरि, सर्वोच्च ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तो वो और वह 42 वर्ष की आयु के एक साल के वृक्ष के नीचे जम्बिका गांव में त्रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जम्बिका गांव में त्रिजुपालिका नदी के तट पर, और इसलिए इन्हें हम है ना कैवल्य कहा जाता है। इसके बाद उन्हें महावीर, जिन, जितेंद्रिय, जिन यानी होता है विजेता, क्योंकि जो जितेंद्रिय और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला विजेता, तो इसलिए उनको जिन, जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, और निर्गंध सभी बंधनों से मुक्त और कैवल्य कहा गया। और महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र तक अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और 72 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई पावापुरी नामक स्थान पर, जो रखी राजगृह के निकट है। और इन्होंने महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा ब्रह्मचार्य, और इससे पहले की जो 4 व्रत थी तो वो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और जो 5वां महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा। और महावीर स्वामी का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया किसकी अध्यक्षता में, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में प्रथम संगति हुई थी, जैन संगति स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, कहां, पाटलिपुत्र में। तो इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की, और इस समय जो राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 12 अंगों का संकलन किया। और जो द्वितीय जैन संगति हुई थी बल्लवी में किस देवर्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी, और ये हुई थी 512 एडी में। इन्होंने 12 उपांग संकलित किए गए थे। और जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। जैन धर्म की शिक्षाओं में उन्होंने बताया कि संसार से दुख मुक्ति का कारण क्या है, इसका उन्होंने उपाय बताया कि त्रिरत्न, तो त्रिरत्न का सिद्धांत लाए महावीर स्वामी। तो इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान होता है यानी वास्तविक ज्ञान और सत्य का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और सम्यक दर्शन होता है सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने वैदिक सिद्धांतों को खारिज कर दिया था, जो वैदिक कर्मकांड थे, धार्मिक आडंबर, तो उनसे इन्होंने मुक्ति पाने का बताया था मार्ग। और वह भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि यह धर्म जो था अनिश्वरवादी धर्म था, तो वे भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, ये केवल आत्मा में विश्वास करते थे, और आत्मवादी का इन्होंने धर्म, और यह कर्म में विश्वास करते थे और आत्मा के उत्प्रवासन थे। और इन्होंने बताया कि सार्वभौमिक भाईचारे में विश्वास करते थे, और इससे संबंधित उन्होंने बताया कि स्यादवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद यानी कोई भी चीज होती है अगर जैसे भी कोई भी घटना होती है तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, उसके बहुत अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे इसका कारण शायद, तो उन्होंने इस तरह की संकल्पना बताई। और किस इसका कारण है, इसका शायद यह हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, तो इस कारण उन्होंने एक और संकल्पना दी, अनेकांतवाद की संकल्पना। अनेकांतवाद यानी कोई भी किसी का चीज का भी कारण, कोई भी जो घटना होती है तो उसका एक अकेला पर्टिकुलर कारण नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने बनाई अनेकांतवाद। और इनका नया जो सिद्धांत था अहिंसा, इन्होंने अहिंसा पर बहुत अधिक जोर दिया है, अहिंसा पर बहुत ज्यादा इन्होंने महत्व दिया है, जो जैन धर्म हुए और बौद्ध धर्म
उन्होंने दोनों ने ही बहुत अधिक महत्व दिया अहिंसा पर, अहिंसा और जीव दया पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। तो क्योंकि यह अतिवादी अतिवादी धर्म के समर्थक थे, इनके इनके अनुसार कोई भी जीव या कोई भी है तो उसकी है ना किसी भी कारण से कुछ भी उसको हिंसा नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसलिए जो जैन रहते हैं तो वो कृषि और जो कृषि कार्य रहता है जैसे, और तो उससे संबंधित ये कार्य नहीं अपनाते, ये ज्यादातर व्यापार वर्ग से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे व्यापार उसमें रहेंगे जो जैन धर्म के, जो जैन धर्म के लोग रहते हैं वो, और ये शाकाहारी रहते हैं। और इसमें ना ये पांचों सिद्धांत के बारे में एक बार हम फिर से देखते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तित्व और अपरिग्रह ब्रह्मचार्य, जो कि महावीर स्वामी ने जोड़ा। और जैन धर्म में हम देखेंगे कि 18 प्रकार के पापों को माना जाता है। एक तो कर्म, कर्म फल, यानी वो इसके ही विरोधी है कि संसार में आना ही मतलब संसार में आना ही गलत है, कि कर्म और जन्म और पुनर्जन्म से मुक्ति, कि कर्म फल के बिल्कुल विरोधी है, कर्म फल पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो है ना न्याय अलग उसका मार्ग बताते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति ऐसे ज्ञान वर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म और वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, क्योंकि अगर इस व्यक्ति का जन्म होगा तो वो उससे और भी संबंधित कार्यों में, कर्मों में, बंधनों में, मुक्त बंधनों से घिरा रहेगा, तो इसलिए उन्होंने इसके विरोधी रहे। जैन धर्म, अब हम बात करते हैं जैन धर्म साहित्य। तो इन्होंने जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो इन्होंने किया प्राकृतिक भाषा में, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जो कि सरल भाषा में किया। और इसमें आगम, जो आगम है, आगम शब्द का प्रयोग जैन धर्म के मूल ग्रंथों के लिए किया जाता है आगम। और इन्होंने, इनके अंग इन्होंने 12 बताए और उपांग है इनकी दोनों 12। और जैन धर्म की अब हम बात करेंगे दो संप्रदायों के बारे में, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। तो जैन धर्म बाद में इसमें भी जैसे दो भागों में ये बट जाता है, क्योंकि एक ये रहता है कि जैन मुनि जो जो जैन रहते हैं तो वो एक अहिंसावादी धर्म है, तो एक वो कठोर प्रवृत्ति है उसकी और बहुत ही कठोर धर्म है। तो उसमें ही कुछ लोग होती हैं जो थोड़े उदार प्रवृत्ति के होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे श्वेतांबर जैन, क्योंकि दिगंबर में जो रहेगा तो वो एक कठोर प्रकृति का धर्म है और अहिंसा, और इसमें श्वेतांबर ये थोड़ा उदार भी है, जो कि पारिवारिक उसमें उन्होंने बताया है पारिवारिक जीवन के बारे में। तो ये दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन, और ये आप इमेजेस देख सकते हैं कि ये रंगपुर जैन टेंपल है कहाँ, राजस्थान में। और शिखर जी प्लेस है जो जैन टेंपल है झारखंड में, और ये पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये जैन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ है। अब हम बात करते हैं पारसनाथ टेंपल खजुराहो। खजुराहो का टेंपल है जो ये सबसे फेमस टेंपल है और ये बहुत महत्वपूर्ण टेंपल है उसमें। और ये है हमारा एक और टेंपल है जो जैन जैन टेंपल है, गुजरात में है, पलिटाना, हाँ भावनगर। दिलवाड़ा टेंपल है, ये एक बहुत ही फेमस टेंपल है, दिलवाड़ा टेंपल माउंट आबू में राजस्थान में आता है। और ये है उड़ीसा में हमारा जैन टेंपल है, उदयगिरी और कांधागिरी की गुफाएं हैं भुवनेश्वर में। और ये है पावापुरी बिहार में, जल मंदिर है और यहीं पर उनका मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। और ये है 57 फीट की लंबी ये गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। 52 फीट की गोमतेश्वर की ऊंची मूर्ति जैन तीर्थंकर की। और ग्वालियर से लगभग 60 किलोमीटर दूर जो है दतिया रूट पर पड़ता है हमारा सोनगिरी, तो वो भी जैन मंदिर वहां के भी प्रसिद्ध है, जो छोटी पहाड़ियों पर 9वीं और 10वीं शताब्दी के जैन मंदिरों में से एक है और चंद्र प्रभु के लिए समर्पित है, जो 8वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो वो उनके लिए समर्पित है। और भारत के जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में बड़वानी जिले में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्री का केंद्र है जो कि 52 गजा के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मूर्ति है 52 गज, इसलिए इनको 52 गजा भी कहा जाता है। और इसका मुख्य आकर्षण है भगवान आदिनाथ जैन तीर्थंकर की दुनिया की सबसे बड़ी महापाषाण प्रतिमा है, पहाड़ से काट कर बनाई गई। और यह प्रतिमा 84 फुट 26 मीटर ऊंच है, मतलब ये गज में है 52 गज, और अगर हम फुट पर बात करेंगे तो ये 84 फीट है। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स आप वीडियो हमारा देखने के लिए। अब हम आपके लिए और भी आगे इससे संबंधित वीडियो लेकर आएंगे आगे के, तो
आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर हम और लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।